बहुत खूबसूरत टीचर जनाब डॉक्टर सजाद प्राचा साहब से ताल्लुक़ बना, जिन्होंने हमें मैथ्स कम्युनिकेशन की ABC भी सिखाई और इस रास्ते पर भी लगाया कि मैथ्स कम्युनिकेशन है क्या और इसको पढ़ना और समझना कैसे है। तो मीनवाइल मेरी PhD जो है वो सन 2020 के अवाइल में ही मुकम्मल हुई, मार्च 2020 में PhD का सफ़र भी पूरा हुआ। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के से की बनिस्बत हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर में आता है वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा सीरियस होता है टूवर्ड्स एजुकेशन। मैं तो कोट करूँगा हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी साहब की बात हो कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर दौर में उस दौर की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्नोलॉजी को इमर्ज होने का मौका देते हैं। ये आज के इस दौर के अबलाह का सबसे बड़ा नुक्स है कि उम्मीदों की बजाय शुक्र की बजाय नाशुक्री सिखाई जाती है और शायद ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा यानी असर होता है। गुस्सा आना तो ज़रूर चाहिए लेकिन उसका इजहार हर वक्त ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सम टाइम उसके इजहार से आपको भी नुकसान पहुंचता है और जिसके आप भला सोच के आप गुस्सा कर रहे होते हैं वो भी आपके गुस्से पर गुस्सा हो जाता है। मैथ्स कम्युनिकेशन का अलमिया ये है कि जब वो थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उस थ्योरी पर एक्सरसाइजेज छोटी छोटी नहीं करवाई जाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे फरमाया ना कि हर वो काम लघु है जिसका न दुनिया में फ़ायदा है न आखरत में फ़ायदा है। बात है कि एक गरीब मुल्क है हमारा और उस गरीब मुल्क के अंदर भी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उसकी प्रायोरिटी सिर्फ यहाँ पर मुलाजिम जहन के लोग पैदा करना है। जी मेरा बेसिकली तो ताल्लुक ज़िला तहसील और शहर बहावलपुर से है, तो सारी एजुकेशन जो स्कूल की है वो भी बहावलपुर से ही है और ख़ासतौर पर जो मेरा प्राइमरी का और मिडिल का मैट्रिक का सफ़र है वो गवर्नमेंट SD हाई स्कूल बहावलपुर से है। फिर उसके बाद वहीं से इंटरमीडिएट किया जो उसका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इस वक्त, और फिर ग्रेजुएशन भी वहीं से की SE कॉलेज बहावलपुर से। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने मास्टर्स किया 98-2000 के बैच में मैथ्स कम्युनिकेशन में, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत टीचर जनाब डॉक्टर सजाद प्राचा साहब से ताल्लुक़ बना, जिन्होंने हमें मैथ्स कम्युनिकेशन की ABC भी सिखाई और इस रास्ते पर भी लगाया कि मैथ्स कम्युनिकेशन है क्या और इसको पढ़ना और समझना कैसे है। तो मास्टर्स करने के बाद फिर मैं यहाँ लाहौर आ गया, तो लाहौर में 2001 में जब पहुँचा तो आते ही जो पहली मसरूफियत बनी वो ILM जो इस वक्त UMT के नाम से है वहाँ पर पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के नाम पर एक फैकल्टी थी, वहाँ पर भी बड़े अच्छे इंसानों से रब्ता बना, उनसे सीखने का मौका मिला। और फिर सन 2004-5 में यहाँ पर MPhil में एडमिशन लिया और MPhil कंप्लीट करने के बाद 2006 में ही मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह फिर ये सफ़र चलता रहा सारे का सारा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाने का मौका मिला, इस तरह फॉर्मिनेट क्रिश्चियन कॉलेज जिसे FC कॉलेज के नाम से जाना जाता है वहाँ पर भी एक लंबा अरसा पढ़ाने का और वहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एज़ अ टीचर। और फिर दोबारा से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया सन 2013 में एज अ रेगुलर टीचर के तौर पर, और फिर 2013 से लेकर अब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो मीनवाइल मेरी PhD जो है वो सन 2020 के अवाइल में ही मुकम्मल हुई, मार्च 2020 में PhD का सफ़र भी पूरा हुआ। तो इस तरह ये कुछ मुख्तसर सा खाका है अपने तालीमी और जॉब कैरियर के हवाले से। आजकल हॉबीज़ क्या हैं? हाँ बस हॉबीज़ वाला दौर तो बचपन का होता है, इस वक्त तो मसरूफियात पूछिए तो मसरूफियत में टीचिंग चल रही है, घर की कुछ मसरूफियात और इसके अलावा सीखने सिखाने के हवाले से एक प्लेटफॉर्म लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है रहीमिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉनिक साइंसेस के नाम से, जो क्वींस रोड पर है, जेल रोड के साथ ही ये इलाका है, तो वहाँ पर जाने का और सीखने का मौका मिलता रहता है। वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है सियासी मुआशी समाजी मसाइल के ऊपर और उनके डिफरेंट एंगल्स और उस पर मौजूद रीडिंग्स और स्कॉलर्स ने जो इल्म उस पर लिखा है उसको सोचने समझने का उसको जानने का मौका मिलता है। तो आप इसे हॉबी भी कहिए मसरूफियत भी कहिए शौक़ भी कहिए और दिल भी वहीं लगता है तो अक्सर वहीं आना जाना रहता है, और इसके अलावा बाकी मसरूफियत यहाँ यूनिवर्सिटी की और फिर घर की रहती है जी। गुस्सा किस चीज़ पे आता है? गुस्से का मेरे ख्याल में ताल्लुक़ किसी चीज़ के साथ नहीं है, असल में तो जाहिर बात है इंसान है और ये इंसान का एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है। अगर इंसान को गुस्सा ना आए तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई एहसासात नहीं है, जज्बात नहीं है, उसकी कोई राय नहीं है, वो किसी काम को करने का कोई तरीका अपने जहन में नहीं रखता है। तो ज़ाहिर बात है कि जब चीज़ आपके जो तरीक़ाकार आपके जहन में होता है जिस तरह आप चीज़ को समझ रहे होते हैं
या आप समझते हैं कि आपके सामने मौजूद तालिब इल्म या आपका अपना बच्चा या कोई दूसरा इंसान जो हरकत कर रहा है वो उसके नुकसान में और आपके भी नुकसान में है, तो अमूमन ऐसी चीज़ों पर गुस्सा आता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सीखा है कि गुस्सा आना तो ज़रूर चाहिए लेकिन उसका इजहार हर वक्त ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सम टाइम उसके इजहार से आपको भी नुकसान पहुँचता है और जिसके आप भला सोच के आप गुस्सा कर रहे होते हैं वो भी आपके गुस्से पर गुस्सा हो जाता है। तो इसीलिए कि गुस्से का इजहार मेरे ख्याल में हमने सीखा वक्त के साथ साथ, वो ज़रूरी नहीं कि जब ही गुस्सा आए तो उसका इजहार भी उसी वक्त कर दिया जाए। आपके चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहती है, इसके पीछे ज़िंदगी का क्या फलसफा है? जी हाँ, वाहिद शख्स हैं जिसको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, वरना तो यहाँ पर अमूमन डिपार्टमेंट या बाकी जगहों पर यह तासर होता है कि हम गुस्से में रहते हैं, हालांकि हम गुस्से में बिल्कुल नहीं होते। हाँ, चेहरे पर स्माइल रहे ना रहे उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, दिल बहरहाल मुस्कराता रहता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सारी नेमतें हर शख्स को दी होती हैं बशमूल मुझे नाचीज़ के जिस पर हमेशा मुस्कराते रहना चाहिए और शुक्र की हालत में रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में देर आर सो मैनी थिंग्स टू सेलिब्रेट इन आर लाइफ एंड इन एवरीबडीज़ लाइफ, क्योंकि इस मौजूदा दौर में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो माहौल बना हुआ है अबलाग का, मैं कहूँगा मीडिया का नहीं अबलाग का, कि जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो हमेशा हमें डिससेटिस्फाई करता है अपने आप से, हम अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन हैं। ये आज के इस दौर के अबलाग का सबसे बड़ा नुक्स है कि उम्मीदों की बजाय उम्मीदों की बजाय शुक्र की बजाय नाशुक्री सिखाई जाती है, और शायद ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा यानी असर होता है कि आपके मुआशरे में हर बंदा अपनी शक्ल से, अपने रंग से, अपने जिस्म से, अपनी कार से, अपनी हर चीज़ से डिससेटिस्फाई होता है और फिर रह भी उसी के साथ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों पर मुतमईन रहा जाए और अपने हालात को बदलने की कोशिश की जाए तो फिर इंसान मुस्कराता रहता है, कम अज़ कम अंदर से ज़रूर मुस्कराता रहता है, बाहर से मुस्कराना तो फिर हालात पर डिपेंड करता है कि उसे किस वक्त किस अंदाज में कैसे मुस्कराना है। लगभग 20 साल से आप दरस तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं, तो इस सारे सफ़र में किस किस्म के तलबा को पढ़ाने में आपको मुश्किल पेश है? देखिए, तलबा को पढ़ाने में मुश्किल तो कभी भी पेश नहीं आती है। असल में होता यह है कि तलबा बेचारे बहुत मासूम होते हैं, वो तो एक उस गुंदी हुई मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे एक बर्तन बनाने वाला या कोई कारीगर जब उसके हाथ में गुंदी हुई मिट्टी आती है तो वो उसको जो मर्जी है शक्ल देता चला जाता है, और फिर जारी बात है कि एक वक्त आता है कि जब वो बर्तन पूरा बन जाता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा बर्तन बनाने वाला उसकी कोई नई शक्ल नहीं बना सकता, और कोशिश भी करे तो फिर उसको भी नुकसान पहुंचता है और बर्तन भी टूटने का अंदेशा होता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा मौका आता है कि जब मुश्किल महसूस होती है तो जहन इस तरफ जाता है कि काश हमारा वो स्कूल जहाँ पर बच्चा 10 साल गुजारता है उसको उर्दू अंग्रेज़ी ग्रामर की बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती हैं, काश उसे क्लासरूम के डेकोरम उसकी ज़ात का हिस्सा बना दिया जाता, काश अगले कॉलेज में जब उसको आज़ादी दी गई थी तो ज़िम्मेदारी का तस्वुर भी समझाया जाता, तो वो ना होने की वजह से कुछ कुछ मसाइल आते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जब इस्लामाबाद में काम किया और इस तरह से जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लंबा अरसा मैंने अपनी टीचिंग का गुजारा है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के से की बनिस्बत हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर में आता है वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा सीरियस होता है टूवर्ड्स एजुकेशन, और वो जल्दी समझ जाता है। इस कंपैरिजन में अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, वो आईएलएम का हो या एफसी कॉलेज का तजर्बा हो, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली जो बच्चे आते हैं वो पढ़ाई के हवाले से उस तरह संजीदा नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम बहुत मजबूत होता तो वो पढ़ लेते हैं। बहरहाल तो वहाँ थोड़ी सी आपको मुश्किल होती है कि एक ऐसे आदमी को संजीदा करना जो पढ़ाई के लिए संजीदा नहीं है, तो बहरहाल लेकिन मिले जुला मामला है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे मुश्किल नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, जिससे वो मुश्किल बन जाते हैं, वो स्कूल और कॉलेज का दौर होता है जहाँ से वो एक शक्ल इख्तियार करके आते हैं बहैसियत तालिब इल्म। इतने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं, मीडिया स्टडीज से वाबस्ता हैं आप, तो ये बताइएगा कि जर्नलिज्म में अब डिजिटलाइजेशन आ गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो कोट करूंगा हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी साहब की बात हो, कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर दौर में उस दौर की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्नोलॉजी को इमर्ज होने का मौका देते हैं, और ज़ाहिर बात है रबूबियत इलाही का एक पूरे का पूरा निज़ाम है, और उसमें अल्लाह ताला जो है वो जिस दौर में जो चीज़ ज़रूरत हो वो उस दौर के अक्लमंद लोग जो उस चीज़ के बारे में मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं मसाइल को हल करने का,
तो उनके जहन में डाल देता है और फिर उसके नतीजे में कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी वजूद में आती है कि उस दौर की मुश्किल आसान हो जाती है। तो आज इस 7 अरब की दुनिया में जाहिर बात है कि इंसानों को कनेक्ट करना चाहता है अल्लाह मियाँ, और उनको जोड़ना चाहता है और एक दूसरे के तजर्बात से उनको आगाह करना चाहता है। तो उसी लिए अल्लाह ताला ने उन इंसानों के दिलों में ये बात डाली जो इंसान इस बारे में मुतफक्किर थे, ये सोच रहे थे, ये काम कर रहे थे, और उनके हाथों से डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ। तो अब ज़ाहिर बात है इस डिजिटल दौर को तो मैं ब्लेसिंग के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि आप ख़ुद सोचिए कि अगर 22 करोड़ के इस मुल्क में अगर हम 7 अरब की बात ना भी करें, कोई अगर आपके पास डेटाबेस ना हो तो कैसा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। अगर उसके पास कोई नादरा का वेरीफाइड सर्टिफिकेट यानी आईडी कार्ड ना हो तो क्या सूरत हाल बनेगी पूरे मुल्क की, कि जराइम कहाँ पहुँच जाएंगे, धोखादही कहाँ पहुँच जाएगी, लोगों को कैसे ट्रेस किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ का कैसे सिस्टम बनेगा। तो ये सब कुछ तो अल्लाह की नेमत है। तो इस तरह सोशल मीडिया का इमर्ज होना भी हम तो अल्लाह की नेमत समझते हैं। हाँ, उसके यूज़ और उसके प्रॉब्लम से बात हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ने इस दौर में इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में दे दी कि अब वो लम्हा बलम्हा अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सियासी निज़ाम से, अपनी मुआशी ख़बरों से वाकिफ़ रह सकता है। वो रहता है कि नहीं रहता, या उसको किस तरफ लगा दिया गया है, ये एक और सवाल है। तो आई थिंक दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हम अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करते हैं और सबको करना चाहिए कि उसने अपनी रहमत को नहीं रोका इंसानों पर से। ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसने इंसान को एक ऐसा गैजेट दे दिया, एक ऐसी मल्टी मोडलिटी डिवाइस मोबाइल की शक्ल में दे दी, उसके जहन में डाल दी कि जिसके ज़रिए से वो अपने सारे काम भी कर सकता है और बाकी इंसानों से अपने रवाबित को भी बेहतर कर सकता है। और वैसे आपस की बात है, मुसलमान मुल्क में है, वो चाहे तो किसी लम्हे भी कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है, किसी का लेक्चर भी सुन सकता है। तो ये तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। जैसे आपने कहा कि ये डिजिटलाइजेशन जो है ब्लेसिंग है, तो इसके लिए तलबा को कैसे तैयार किया जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। असल में तो नुमान साहब, बात ये है कि जब हम बात करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की या डिजिटल एज के आने की, तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए जब इसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, आपके कोई अहदाफ नहीं होते हैं, आप उस पर कोई पहले से काम नहीं कर चुके होते हैं, या आप यूं कहिए कि जब वो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है तो आप पहले ही अहदाफ से खाली होते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है जब कोई हदफ नहीं होता उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, जब उसके ऊपर लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता है, तो फिर नतीजे के तौर पर ले दे के आपके पास एंटरटेनमेंट एक वाहिद रास्ता रह जाता है, या उसकी यूटिलाइजेशन रह जाती है। रास्ता तो नहीं कहना चाहिए, तो आपके पास वाहिद जो चीज़ होती है वो एंटरटेनमेंट होती है। तो इसीलिए नौजवानों को तो असल में ज़िंदगी का मकसद बताने की ज़रूरत है। अगर उनको उनके ज़िंदगी का मकसद क्लियर हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी का एक हदफ तय कर लें कि जिसके नतीजे में वो दुनिया में भी कामयाब हों और अगली दुनिया भी ज़ाहिर बात है कामयाब होनी चाहिए, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप देखेंगे वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे फरमाया ना कि हर वो काम लघव है जिसका न दुनिया में फ़ायदा है न आखरत में फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी का हर वो यूज़ लघव है कि जिसका इस्तेमाल का न दुनिया में कोई फ़ायदा है न आखरत में कोई फ़ायदा है। और इसी तरह से एक इंसान को अगर ज़िम्मेदार इंसान बना दिया जाए तो टेक्नोलॉजी के यूज़ या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से वो खुद ब खुद कॉन्शियस हो जाता है। तो हमारे तलबा को तो असल में एक ज़िम्मेदार तलबा बनना पड़ेगा, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी उनके लिए ब्लेसिंग है। और अगर हमारे तलबा गैर ज़िम्मेदार तलबा होंगे तो ज़ाहिर बात है उनके लिए प्रॉब्लम है। और ये काम यकीनन इदारों ने करना है, हम तलबा से इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तलबा ऐसा कुछ खुद करेंगे। क्लासरूम में मौजूद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी के करिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल जो फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स हैं एजुकेशन के, वो उस बच्चे को एजुकेट करें कि उसकी लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए और फिर उस टारगेट के मुताबिक हर चीज़ को इस्तेमाल करने का फ़न उसको आना चाहिए। अक्सर तलबा की जानिब से ये शिकायत की जाती है कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इस शिकवे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो होता है। देखिए ना, असल में बात ये होती है कि ये बात सिर्फ मैस्कॉम की हद तक नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए हम चले जाते हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में। अब मेडिकल साइंस की दुनिया में आप किसी को लाख दिल की साख्त पढ़ा लें, निज़ाम निज़ाम पढ़ा लें उसको, इस तरह से उसको आप जो है वो निज़ाम तनफ़ुस पढ़ा लें, इस तरह से उसको आप खून का पूरा दौरान खून का पूरा निज़ाम उसको पढ़ा लें, लेकिन सारी बातें वो थ्योरी की हद तक कुछ चीज़ों को याद भी कर लेता है, देख भी लेता है, चीज़ें भी कर लेता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में जाता है, जब इंसान को वो एक स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन शुरू करता है, तो फिर वो चीज़ें उससे उसको मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाती हैं या मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं।
या वो कहता है कि जी मैंने तो ये पढ़ा था कि दिल का ऑपरेशन करते हुए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री ये है, लेकिन यहाँ मैंने एक माहिर सर्जन को देखा कि वो तो स्टेप थ्री पर डायरेक्ट चला गया और स्टेप वन बाद में किया। तो ये प्रैक्टिकल नौयत की जो चीज़ें होती हैं वो फील्ड में ही जाकर इंसान को आती हैं। तो यही मामला सिविल इंजीनियरिंग का है और बाकी शोबों का, और यही मामला मैस कम्युनिकेशन का भी है। मैस कम्युनिकेशन का अलमिया ये है कि जब वो थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उस थ्योरी पर एक्सरसाइजेज छोटी छोटी नहीं करवाई जाती। ये शिकवा स्टूडेंट्स का ठीक हो सकता है। इसमें तो जो टीचर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं कि जिनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, और वैसे सारे सब्जेक्ट्स ही अप्लाई होते हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स की जो भी उसका प्रैक्टिकल बनता है, सम टाइम वो प्रैक्टिकल सिर्फ मुशाहदे की शक्ल में होता है। एक टीचर थ्योरी का कोर्स पढ़ा रहा है, वो मीडिया के इफ़ेक्ट्स की बात करना चाहता है, तो वो चीज़ें अपने थ्योरी के कोर्स में वो मुशाहदे की कुछ चीज़ें उसको दे करके तलबा इस चीज़ को मुशाहदा करें, अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर उसको देखें समझें। और अगर वो रिसर्च का कोर्स पढ़ा रहा है तो उस पर छोटा मोटा कोई सर्वे करवा सकता है, कोई एक्टिविटी करवा सकता है, और अगर वो रिपोर्टिंग का, एडिटिंग का कोर्स पढ़वा रहा है तो उस पर कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे सकता है। तो थ्योरी को ड्यूरिंग स्टडीज़ किसी प्रैक्टिकल से रिलेट ना करने की वजह से जब वो बच्चा एकदम फील्ड में पहुंचता है तो ये समझता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो थ्योरी भी उसी चीज़ की होती है। हाँ, उसको अमल में लाते हुए कुछ चीज़ों को आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंस महसूस होता है। आपने जैसे इस शिकवे में बात की कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, थ्योरी भी वही प्रैक्टिकल वाली होती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये तलबा को जो है अमली सहाफत सिखाने में किस हद तक मुआवन साबित हो रही है? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई ना करें, आप पूरे तालीमी निज़ाम की बात करें। पंजाब यूनिवर्सिटी नुमाइंदा है पाकिस्तान में मौजूद तालीमी निज़ाम की। पंजाब यूनिवर्सिटी के अकेले की बात करेंगे तो फिर बात उस तरह से क्लियर नहीं होगी। हमारे तालीमी निज़ाम का कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। मसलन ये तालीमी निज़ाम के में जो अफराद जो आते हैं इस तालीमी निज़ाम के ज़रिए से किसी शोबे में, उनमें से मेजॉरिटी उस शोबे की नहीं होती है। वो आपने ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा ये डिसीजन कर सके और समझ सके, या गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि उसको किस शोबे के अफराद चाहिए, और फिर उनकी लगन और उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बुनियाद पर उनको उसमें एडमिशन दिया जाए। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि एक गरीब मुल्क है हमारा, और उस गरीब मुल्क के अंदर भी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उसकी प्रायोरिटी सिर्फ यहाँ पर मुलाजिम जहन के लोग पैदा करना है। तो जब मुलाजिम जहन के लोग पैदा करना मकसद होता है तो फिर सिलेबस डिज़ाइन इस तरह से होता है कि सिर्फ उसको रट्टा लगाया जाए, उसके नंबर लिए जाएँ और उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ा जाए। तो वो सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट होता है हर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में। तो क्योंकि पीछे मॉडल ये नहीं है कि एक हुनरमंद, या जिससे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है, कि स्किल्ड लोग पैदा किए जाएं और किसी खास शोबे के पैदा किए जाएं और ज़रूरत के मुताबिक पैदा किए जाएं, जब ये डिस्कशन नहीं है तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रही हैं और प्रैक्टिकल कम पढ़ा रही हैं, या कई दफ़ा आपको लगता है कि नहीं जी प्रैक्टिकल तो है और थ्योरी नहीं है, और इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, कि जो अफराद में कौमी शऊर पैदा करे, एहसास ज़िम्मेदारी जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं तलबा में, वो पैदा करे, इस तरह तलबा के अंदर वो अहदाफ को सेट करने की सलाहियत पैदा करे, इस तरह से उनको ये सलाहियत दे के अपने लिए एक सही शोबे का इंतखाब कर सकें, और फिर इसी तरह से उस शोबे को फैसिलिटेट किया जाए कि वहाँ पर लोगों को स्किल सिखाई जाएँ, तो फिर ये मसला हल हो सकता है।